नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत बीते कई दिनों से चर्चाओं में बनी हुई हैं। कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं और लगातार चुनावी रैलियां कर रही हैं। विपक्ष पर जमकर निशाना भी साध रही हैं। मंडी सीट में इस बार बेहद ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। कंगना रनौत की कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के साथ जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही एक दूसरे को बीते कई दिनों से आड़े हाथों ले रहे हैं। दोनों के बीच काफी दिनों से जुबानी जंग छिड़ी हुई है। मंडी में 1 जून को मतदान होने वाला है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, दोनों के बीच बयानबाजी और उतनी ही तेज होती जा रही है। हाल ही में कंगना ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हुए विक्रमादित्य सिंह को जमकर लताड़ा है। कंगना ने कहा, ये लोग मंडी की बेटियों के साथ भाव पूछ रहे हैं। इन्होंने मंडी की बेटियों को अपवित्र कहा, बेटियों के मंदिर जाने पर उसे पवित्र करने की बात कही है। मंडी की लड़कियों का भाव पूछा, लेकिन अब हम मंडी की बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे। मैं कहती हूँ कि पहाड़ी महिलाओं में बहुत दम होता है। मैंने उद्धव ठाकरे का सिंहासन तक हिला दिया था, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। पहाड़ी लड़कियों में बहुत दम होता है। अगर पहाड़ी थप्पड़ पड़ा तो सब्जियों का रेट पूछना तक भूल जाओगे। इनका परिवार सालों से कुर्सी से चिपका हुआ है। इनके पास सत्ता रही है, लेकिन फिर भी इनकी कुर्सी की भूख खत्म नहीं होती। ये सत्ता की भूख इन्हें ले डूबेगी। लोगों का पैसा खाने के लिए ये लोग सत्ता चाहते हैं। कंगना ने आगे कहा कि मैंने जिन मंदिरों के दर्शन किए उनका शुद्धिकरण करना होगा। बिगड़ैल शहजादा नहीं जानता कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है। शायद उनकी माँ प्रतिभा सिंह ने उन्हें महिलाओं का सम्मान करना नहीं सिखाया। मैंने तो अपनी योग्यता पर पद्मश्री पाया है, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार पाए हैं। विक्रमादित्य, कभी अपने नाम पर वोट मांगो, अपने माता पिता के नाम पर वोट मत मांगो, जमानत जब्त हो जाएगी, 1 वोट तक नहीं मिलेगा। तो देखा आपने, कंगना ने कांग्रेस के विक्रमादित्य को सीधा सीधा कह दिया है कि मैंने उद्धव ठाकरे का सिंहासन तक हिला दिया था, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। बता दें कि जब से बीजेपी ने कंगना को मंडी से टिकट दिया है, तभी से कांग्रेस बौखलाई हुई है। यही वजह है कि मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह कंगना पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। हाल ही में विक्रमादित्य सिंह ने टकोली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, मगर आज प्रदेश के अंदर मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये बात घर कर चुकी है कि मोहतरमा का जो खान पीन की चीजें आज निकल कर आ रही है, आज जो ऐसी चीजें निकल कर आ रही है जो हमारी देव संस्कृति को कलंकित करती है। और हमने ये कहा कि जिन जिन मंदिरों में वो जा रही है वहां पर जो है सफाई करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने कंगना के खिलाफ गाय का मांस खाने की गलत खबरें तक फैला दी थी। बता दें कि 1 जून को बीजेपी उम्मीदवार कंगना और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है। बात करें कंगना और उद्धव की, तो कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान बीएमसी ने कंगना के घर पर बुलडोजर चला दिया था, जिसके बाद कंगना ने उद्धव ठाकरे को श्राप देते हुए कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना के इस बयान के कुछ साल बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है और उद्धव ठाकरे की सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया था, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर शपथ ली। यही वजह है कि अब कंगना ने उद्धव ठाकरे का जिक्र कर विक्रमादित्य को लताड़ लगाई है। वहीं चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको विक्रमादित्य का वो बयान जिसमें वो कंगना के पहाड़ी थप्पड़ वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम भी पहाड़ी है और हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिसमें पढ़ी लिखी हाईली एजुकेटेड IPS ऑफिसर्स है, HAS ऑफिसर्स है, लॉयर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन्स है, टीचर्स है, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करके हिमाचल का नाम रोशन किया है, आज बड़े बड़े पदों के ऊपर अपनी सेवाएं दे रही है। उनमें से एक बेटी मोहतरमा भी है, ठीक है, उन्होंने बॉलीवुड में जाकर कुछ अच्छी फिल्में करी है तो उसमें हमारी शुभकामनाएं हैं, मगर वो जनरलाइज क्यों कर रही है? हमने तो किसी के बारे में बात नहीं करी, हमने तो सिर्फ उनसे सवाल पूछे हैं, कठिन सवाल पूछे हैं, मगर वो हर चीज़ के लिए जो है वो महिलाओं के महिला विरोधी स्टांस के पीछे छुपने की कोशिश करती है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा,
जैसा मैंने कहा, मंडी में और कितनी बेटियां हैं, हिमाचल में 16 लाख बेटियां हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। हम सबके ऊपर हमें गौरव है, सबसे सबके सबको हम बड़े ऊंचे नज़रिए से देखते हैं। तो कंगना जी को भी हम अपना नमस्कार कहते हैं, मगर जैसा मैंने कहा कि उनका मनोरंजन का समय अब हिमाचल में पूरा हो गया है। उन्होंने बहुत सी ऐसे बयान दिए हैं जिससे लोग लोटपोट होकर हंसते रुकते नहीं हैं। जो एक बड़े अच्छे कॉमेडियन है मुंबई में, कपिल शर्मा, उनको भी अच्छा कंपटीशन दे दिया है। तो मैं तो समझ रहा हूँ वापस जाकर कहीं कपिल शर्मा की बॉलीवुड से कहीं छुट्टी ना हो जाए, इस तरीके का सिस्टम चला हुआ है। तो वापस जाए 4 तारीख के बाद, जो उनकी फिल्में बची है फिल्में करे, या वरना जो है कॉमेडी शो विद कंगना रनौत मुंबई के अंदर शुरू कर दे।